नमस्कार नेशन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक तरफ सरकार काफी ज्यादा सुस्त नजर आती है, वहीं शिक्षकों की बहाली हो या फिर किसी महाविद्यालय या फिर कॉलेज में शिक्षकों की भर्ती हो उसको लेकर भी सरकार काफी चिंतित नहीं दिखती है। ऐसा ही मामला एक बिहार की राजधानी पटना से सटे बाढ़ अनुमंडल में आया है, जहां अनुग्रह नारायण महाविद्यालय में जहां शिक्षकों की कमी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हस्ताक्षर अभियान चालू किया है, जहां पे इसके तहत जितने भी स्टूडेंट्स हैं जितने भी विद्यार्थी हैं उनसे हस्ताक्षर करवाया जा रहा है कि यहां पे शिक्षकों की कमी है और वह प्रधानाध्यापक को दे रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं एबीपी के छात्र। मैं इंग्लिश ऑनर्स का छात्र हूँ और मेरे ऑनर्स में शिक्षकों की कमी से शिक्षा ग्रहण करने में बहुत ही परेशानी हो रही है। मैं एबीपी के तरफ से शिक्षकों की मांग करता हूँ। इसके पहले ही मैंने प्राचार्य को ज्ञापन दिया था, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई। फिर अभी जाकर प्राचार्य को इस ज्ञापन के माध्यम से फिर उनसे एक मुलाकात की जाएगी, उसके बाद फिर निर्णय होगा क्या करना है इसमें। तो इस तरीके से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र ने हस्ताक्षर अभियान किया, जिसको लेकर क्या कुछ प्रधानाध्यापक कह रहे हैं आप भी सुनिए। वास्तव में एनएस कॉलेज बाढ़ में 58 सृजित पद है और उसके एवज में मेरे पास मात्र 7 शिक्षक हैं, और आप ही से मैं जानना चाहूँगा कि मैं 7 शिक्षक के बदौलत 58 को कैसे मीट करूँ। और कोई कोई सब्जेक्ट तो ऐसा है, साइंस सब्जेक्ट के बारे में खासकर कहना चाहूँगा और लिटरेचर के बारे में, जो शून्य है, 0/0, उसमें एक भी टीचर नहीं है। और जितने भी टीचर इस बार नियुक्त हुए थे 18-19 के दरमियान, सारे का स्थानांतरण जो है विश्वविद्यालय के द्वारा पटना के कॉलेज में कर दिया गया। तो जिस तरीके से प्रधानाध्यापक ने बताया कि कुल 57 सीट हैं और जो अवेलेबल जो कि वहाँ पे शिक्षक हैं वो 7 ही हैं, तो कैसे वो कॉलेज को चलाएंगे, कैसे विद्यार्थी पढ़ेंगे, कहाँ से वो टीचर लाएंगे, इसको लेके उन्होंने हस्ताक्षर अभियान करके विद्यार्थियों ने प्रधानाध्यापक को सौंपा है। और प्रधानाध्यापक ने आश्वासन दिया है कि हम सरकार के समक्ष इस बातों को रखेंगे और नए शिक्षकों की बहाली जल्द ही कॉलेज में की जाएगी। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। धन्यवाद।